न्यूज़ सच जरूरी है। पाकिस्तान में मौलवी ने किया नाबालिग लड़के का रेप, रमजान की दुआओं का बहाना लेकर मस्जिद बुलाया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनीष न्यूज़ नेटवर्क। तो एक बार जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान के गुजरात में एक नाबालिग लड़के ने मौलवी पर उसका रेप करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौलवी मोहम्मद रियाज के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना 9 और 10 मार्च के दरमियान की रात को हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी ने नाबालिग लड़के को रमजान की दुआओं का बहाना लेकर उसे मस्जिद में बुलाया था, जिसके बाद उसे घर रात भर वही रुकने को कहा गया। लड़के का आरोप है कि मौलवी ने उसे जो खाना दिया उसमें नींद की दवाई मिली हुई थी, मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी। लड़के का आरोप है कि मौलवी ने सारी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़के ने बताया कि सुबह 8 बजे जब वो उठा तो उसे पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है। एफआईआर में लड़के ने मौलवी पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मौलवी के खिलाफ धारा 377 के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में 2021 में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। लाहौर में एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ने वाले मौलवी ने एक बच्चे के साथ कुकर्म किया था। शुरुआत में जब बच्चे ने उसकी शिकायत की तो किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। इसके बाद उसे अपने साथ हो रहे दुष्कर्म का खुद वीडियो बनाकर उसका सबूत दिया था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर दिन कम से कम 8 बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डांस क्लास में रेप, डांस टीचर इमोशनल ब्लैकमेल कर 8 साल तक करता रहा शोषण। ग्वालियर में डांस क्लासेस में डांस टीचर द्वारा एक महिला से रेप किया है। आरोपी टीचर ने डांस की बारीकियां सिखाते सिखाते महिला से नजदीकियां बढ़ाई और एक दिन क्लास में अकेला रोककर महिला से दुष्कर्म किया। घटना 8 साल पहले 2015 की है। इसके बाद आरोपी महिला को इमोशनली ब्लैकमेल कर उससे लगातार संबंध बनाता रहा। आरोपी महिला से शादी करने की कहकर 8 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। अभी कुछ दिन पहले डांस टीचर ने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। धोखे का एहसास होते ही महिला पुलिस के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी डांस टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर के उपनगर मुरार के घास मंडी निवासी उम्र 32 वर्ष महिला ने शिकायत की है कि वर्ष 2015 में वह बाल किशन अग्रवाल उर्फ बीके पुत्र सतीश चंद्र अग्रवाल के पास डांस सीखने जाती थी। डांस सीखते सीखते उनके बीच दोस्ती हो गई और सामान्य बातचीत होने लगी। एक दिन जब वह वापस घर जा रही थी तो बाल कृष्ण ने उसे बातचीत के बहाने रोका और जब डांस क्लास से सभी लोग चले गए तो उसने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद जब महिला ने विरोध किया और पुलिस में जाने की बात कही तो आरोपी डांस टीचर बालकृष्ण ने उससे शादी का वादा किया। इसके बाद उसका शोषण करने लगा। जब जब उसने शादी का दबाव बनाया तो पता चला कि आरोपी तो 1 साल पहले ही एक अन्य युवती से विवाह कर चुका है। भागने से पहले पकड़ा आरोपी। मुरार थाना पुलिस ने महिला के थाने पहुंचते ही तत्काल आरोपी डांस टीचर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। जैसे ही आरोपी को एफआईआर दर्ज होने का पता लगा तो आरोपी भागने की तैयारी में था, पर उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस का कहना, एसएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि एक महिला ने शिकायत की थी जिस पर आरोपी डांस टीचर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दर्दनाक घटना, घर के अंदर खेल रहे 4 साल के बच्चे को बाघ जंगल में लेकर भागा। यह खबर चंद्रपुर से सामने आ रही है। जिले में जंगली जानवरों की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसी ही एक घटना सवाली तहसील में सामने आई है, जहां घर में खेल रहे 4 वर्षीय बालक को बाघ लेकर जंगल में भाग गया। बच्चे का नाम हर्षल संजय कारमेगे है। इस घटना के सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 8 बजे जब हर्षल घर के आंगन में था तभी एक बाघ वहां आ गया और जंगल में ले गया। यहां 4-5 साल के बच्चे को बाघ उठा ले जाने की घटना पहले भी हो चुकी है। बताया जाता है कि संजय के बेटे को एक बाघ घर के सामने से उठा ले गया था। माँ के ठीक सामने बाघ ने हमला कर दिया और उसे उठा ले गया तो माँ की चीख निकल गई। पुलिस अधिकारियों ने साथ साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत गांव में दाखिल हुए। वन विभाग व गांव को के लोगों की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।